पाकिस्तान आज एक ऐसा देश बन चुका है जिसका बाल बाल कर्ज में डूबा है। हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तानी जनता के पास खाने को अनाज तक नहीं है। पिछले 2 सालों से तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हुआ कैसे और अब पाकिस्तान किस हाल में है, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन वैसे तो कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही है। वो हमेशा से ही दूसरे देशों से और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्जा लेता रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। महंगाई ने पाकिस्तान में पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और महंगाई की दर 35% तक चली गई थी। देश भर में लोग आटे चावल और सब्जियों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। हालात ये थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लोगों से ये गुहार लगानी पड़ी कि वो दिन की एक प्याली चाय पीना बंद कर दें, ताकि सरकार चाय इंपोर्ट करने में जो खर्चा करती है वो कम हो सके। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। महंगाई की ये मार सिर्फ खाने पीने पर ही नहीं बल्कि बिजली और पानी पर भी पड़ी। पीने को पानी नहीं था, साथ ही देश की बिजली की कमी की वजह से रात 8 बजे ही हर जगह बिजली को कट करने की नौबत आ पड़ी। पाकिस्तान के बजट का 32% का हिस्सा किसी न किसी देश से उधार लिया हुआ होता है। ये लोन पाकिस्तान अपने देश के डेवलपमेंट के लिए लेता है, लेकिन अगर लोन लिया है तो उसे चुकाना भी पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसीलिए पाकिस्तान एक तरह से वापस वही पैसा लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, और जिस काम के लिए लोन लिया गया था वो काम हो ही नहीं पाता है। पाकिस्तान लोन और रीपेमेंट की इस लूप में फंस कर रह गया है। यही रीजन है कि जून 2023 में पाकिस्तान के हालात कुछ इस कदर बिगड़ गए थे कि उसके पास सिर्फ 30 दिन देश चलाने का पैसा बचा था। तब पाकिस्तान के ऊपर $100 मिलियन से भी ज्यादा का कर्ज था। अपने देश को बचाने के लिए पाकिस्तान ने IMF से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद जुलाई में IMF ने $3 अरब का कर्ज देने की बात मान ली थी, जिससे पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। लेकिन ये 23वीं बार है जब पाकिस्तान ने IMF से कर्ज लिया है। इसके अलावा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी पाकिस्तान को $28 बिलियन की मदद का वादा करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $2 बिलियन हाथों हाथ डिपॉजिट भी करवा दिए थे, जिससे पाकिस्तान की हालत कुछ हद तक सुधर गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान पर अब दोबारा ऐसी कोई मुसीबत नहीं आएगी। भारत और पाकिस्तान एक ही समय पर आजाद हुए थे, लेकिन जहां भारत आज दुनिया की top 5 इकोनॉमीज में शामिल है, वहीं पाकिस्तान आज दाने दाने को तरस रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? भारत ने आजाद होते ही देश को संभालने की कोशिशें शुरू कर दी थीं, संविधान बनाया, चुनाव कराए और देश को एक ट्रैक पर लाने के लिए देश के लीडर्स ने तमाम कोशिशें की। लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई स्ट्रॉन्ग लीडर सामने नहीं आया, जिसके बाद देश का कंट्रोल सालों तक सेना के पास रहा, जिसने देश की भलाई से ज्यादा भारत से लड़ाई करने में दिमाग लगाया। 1947 में आजादी मिलने के बाद भी पाकिस्तान में पहले आम चुनाव 1970 में जाकर हुए। तब से लेकर अब तक 29 प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने डेवलपमेंट से ज्यादा खर्चा देश की सेना पर किया, ताकि वो भारत को हरा सके, जिसके लिए उसने नए नए हथियार खरीदे। इसके अलावा भारत पर वार करने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बनता चला गया। भारत से दुश्मनी निभाते निभाते पाकिस्तान खुद का ही दुश्मन बन बैठा है। आज जहां भारत G20 जैसे समिट करवाकर दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान अपने खर्चे चलाने के लिए पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। पाकिस्तान को फिलहाल तो मदद मिल गई है, लेकिन ये कब तक उसके काम आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे पाकिस्तान क्राइसिस के बारे में आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।